की जो भी संस्था है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके ऊपर प्रश्न लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना, ये उनकी आदत ही नहीं है। वो षड्यंत्र कर रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो केंद्र में सरकार है। और महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जिस तरीके से भारत को दुनिया की नज़रों में नीचा दिखाना चाहती हैं, ये देशद्रोह के दायरे में आता है। और जिस प्रकार की इनके आपस में होड़ लगी हुई है, ये देश को स्वीकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, यहाँ के लोग, नौजवान जो है, रोज़गार की आस लगाए बैठे हैं कि जब इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, यहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, उस वक्त इस प्रकार की बात करना। और जब हम जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर हम अग्रसर हैं, उस वक्त इस प्रकार के बयान देना और यहाँ पर हिंदू मुसलमान करते हुए, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पाकिस्तानी षड्यंत्र का एक टूल किट हो सकता है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये देशद्रोह के दायरे में आता है और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। और आने वाले वक्त में जो उपयुक्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी, इस प्रकार का हमें पूरा भरोसा है। प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आज शांति है जम्मू कश्मीर में और पत्थरबाजी बंद नहीं है, पत्थरबाजी नहीं है। आज नौजवान टूरिज्म जो वहाँ के लोग हैं, रोजी रोटी के पीछे हैं, और ये जो है उस प्रकार का इश्तियाल देते हुए कश्मीर तो करती है, जम्मू में आके, जम्मू का जो इतना सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर भाईचारे को जो है समाप्त करने के लिए महबूबा मुफ्ती और ये जो लोग कर रहे हैं, ये कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने तो इनको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है, ये बौखलाहट में और पाकिस्तानी इंस्टिगेशन के तहत जो है ये कर रहे हैं, ये हमें लगता है। देखिए, ये जो कहना कि ताजमहल को भारतीय जनता पार्टी हिंदू मंदिर बनाना चाहिए, वो बताएं ना, एक्सप्लेन करें ना, भारतीय जनता पार्टी का कहां किसने कोई बात कही है? अगर किसी ने जो है जिसका क्लेम वहां बनता है, जो जानना चाहता है, या आम व्यक्ति भी जानना चाहता है कि ताजमहल के अंदर 22 जो कमरे हैं उसमें क्या है, तो इसमें दिक्कत क्या होती है उनको? जो सच्चाई है, हिस्ट्री का मतलब क्या, जो है वो लोगों को दिखना चाहिए। बापी मस्जिद में अगर कोर्ट की डायरेक्शन पर कोई कार्रवाई हो रही है तो उसको कन्वर्ट करने की बात क्या है? यही नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था हम तो कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, यह भी सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है उसकी अवहेलना ही नहीं है, लोगों को इंस्टिगेट कर रही है कि जैसे बाकी देश में जो है कार्रवाई हो रही है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों, कश्मीर के नौजवानों, आइए आप सड़कों पर आइए और इस प्रकार का आप नमाजें पढ़िए, हम तो कहीं पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से लॉर्ड्स की स्पीकर के ऊपर जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो उसको भी इश्तेहार दे के लोगों को जो है, मुस्लिम नौजवानों को, कश्मीरी नौजवानों को ये इंस्टिगेट कर रही है कि फिर से वो कहीं कोई वायलेंस हो, कहीं गोली चले, और उसके बाद फिर इनका जो वो रोने पीटने का और जो सारा धंधा जो पुराने चलता रहा उसको वो चले। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है, कानून अपना रास्ता ले रहा है। और मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कानून तब रास्ता लेता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार होती है। पहले भी प्रधानमंत्री थे, कातिल को बुलाना, उनको गुस्ताखी खिलाना, सोनिया गांधी जो है उनको सीक्रेट मीटिंग्स करना, किस प्रकार से उनके पीछे पीछे भागते थे। लेकिन आज आप देखिए कि बीजेपी सरकार के द्वारा, नरेंद्र भाई मोदी सरकार के द्वारा, इस प्रकार के कातलों के साथ, अलगाववादियों के साथ कोई भी बात चीज जो है डायरेक्ट हमने जो है उनसे कोई रब्ता नहीं रखा है। कानून है, यहाँ का लोकतंत्र अब जो है, यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो, कानून लागू हो। और इसी जैसे यासीन मलिक के ऊपर, ये तो अभी शुरुआत है, उस पर और भी केसेस हैं, आगे आने वाले वक्त में देखेंगे। बाकी लोग जो विटा कराटे जैसे लोग हैं जिन्होंने इतने कत्ल किए, उनको फांसी तक पहुंचाने के लिए जो सरकार और अदालत वो करेगी, अपना पूरा कार्रवाई होगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है।